वह सोना ढोलन यार सजन सावल हो सर माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, तकरीबन तीन चार इसकी जो बेरियां है ना इन्होंने उठा लिया अभी। माशाल्लाह ये देखें अली साहब ने इतना खाया ना ये पेट बाहर निकल आया। ये देखें अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर हम ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की नगरी में हाज़िर हुए हैं। हम दोस्तों ने प्लान बनाया है, पहले भी हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और मछली का प्रोग्राम बनाया था। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी ज़बरदस्त मछली बनी थी। आज दोबारा हमने प्लान बनाया है दोस्तों के साथ। ये आप देख सकते हैं रिहान साहब हैं। रिहान साहब आप क्या कहना चाहेंगे सर? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम भी जो है ना हमारे जो है ना दोस्त हमारे साथ आए थे और मछली यहाँ खाई थी और हमें बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर, क्योंकि मछली का जो जायका है और जो यहाँ की जो फेमस एक तरह से मानी जाती है कोट मिट्टन भी, वो वाकई यहाँ पर बात दुरुस्त है। दूसरा आज हम थोड़े मुख्तलिफ दोस्तों के साथ भी यहाँ पर आए हैं, वो इसीलिए सिर्फ क्योंकि हमारे जो आज कुछ नए दोस्त हैं क्योंकि पिछली बार वो नहीं आ पाए थे, इस बार उनको भी हम ये मछली खिलाएंगे और उनको उनसे भी पूछेंगे कि उनको ये मछली कैसे लगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हम चाहते हैं कि आप लोग दुआ करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए अब आज अभी कल के लिए मैच के लिए सब दुआ करें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप जीते इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं और नात खान हैं कारी मोहम्मद इरफान साहब। कारी साहब आपने जो है ना ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह के बारे में कलाम सुनाना है। आज उनकी नगरी में मौजूद हैं तो जैसा कि यूनुस साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब की काफ़ी का शेर हो जाए तो आइए ख्वाजा साहब की काफ़ी का शेर पेश कर देता हूँ। सुभानअल्लाह क्या बात। वह सोना ढोलन यार सजन सावल होत हिजाज़बत ओ आदेख फरीद। वाह वाह क्या बात। बैत हुज़ैन हिमे रोज़े अज़ल जान बलब सोना खुश बसदा बिच मुल्क अरब ओ इथमे उठड़ी। क्या बात क्या बात। शुक्रिया सर शुक्रिया। और ये कारी अब्दुल गनी साहब सर दो बातें हो जाए सर, आप कहाँ जा रहे हैं सर? बैठे हैं आप जी, थोड़ी सी गपशप करनी है, दो बातें करना है सर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक ठाक हैं? फिर गलत कर दिया। सर कोई भी कोई शेर सुना दे, केमिस्ट्री के बारे लेक्चर दे दें। केमिस्ट्री के बारे में कल बच्चों परसों पेपर है, बेस्ट विशेस हैं। सर इन बातों को छोड़ें, मुझे ये बताएं पहले आपने कभी मछली खाई है? हाँ जी, जब भी आप साथ ले के आते हैं खाते हैं। अब आप बताएं आप क्या खिलाते हैं जब आप ले के आते हैं मछली? पहले कभी मछली खाई है आपने? हाँ जी पहले कभी मछली खाई है। अली साहब ने ना मछली नहीं खाई। अली साहब के साथ अच्छी कंपनी होती है, दो साल पहले भी हमने कंपनी की थी पुल के ऊपर। काली फान साहब के ना कुछ अल्फाज। अच्छा ये बताएं ये मूंछों को क्या लगाते हैं? मूंछों को देसी घी लगाता हूँ। अच्छा देसी घी। हाँ जी कभी खाया है देसी घी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भैंस ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने सुना है यूनुस साहब आपको अगर मालूम नहीं है जी, दावत बनती है क्योंकि माशाल्लाह सर की भैंस ने जो है ना वो तीसरी कट्टी
आपको पता होगा आज तीसरी मछली की दावत है, आज मछली की जो दावत है उनकी ज्यादा जो अमाउंट है। अच्छा जी, मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि सर ने भैंसे रखी हुई है माशाल्लाह। सर दो हैं तीन है माशाल्लाह, दो भैंसे हैं और एक ये खुद है। बच्चे भी हैं जी हमारे, कारी रशीद साहब हैं, इनको रहने दे आज। और हम ना आज वीकेंड पे ना थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो मिठन कोट में आए हैं खाज साहब की नगरी में। तो माशाल्लाह यहाँ की जो फेमस और मशहूर चीज़ है, क्योंकि ये दरियाई इलाका साथ में लगता है, तो यहाँ की मछली बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम वेट कर रहे हैं, हमारे सारे दोस्त भूख से ढाल हो रहे हैं और मछली अभी बन रही है, मछली भी तैर रही है अभी उसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद फिर वो पकाएंगे। जब तक मेरे ख्याल में हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड भी हो जाएगा। और खास साहब की नगरी में आए हैं तो एक आध शेर मैं सुना के ना अपनी हाथ लगवाता हूँ। कोजी कमली तेरे नाम है ना कर यार करीर, गौस कुतुब सब तें तू सदके, कौन फरीद फकीर। वाह सुभान। सर जी पिछली दफा आपने कुछ नहीं कहा था, इस दफा आपने। वालेकुम सर। वालेकुम। ये हमारे मैथ के टीचर हैं। इस बार भी कुछ नहीं नहीं, मैं इस बार ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगा। क्या बात है, शेर पे है वैसे आप ना बोले तो। बिल्कुल सर, मैथ के टीचर है, कोई मैथ के टीचर है। आज इनसे तीन बार पेपर बनवाए गए हैं, वो तीसरी बार भी अच्छा नहीं बना। तलकत को जींदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है। बस मुझे ये एक शेर आता था, मैंने आपको सुना दी। इसके अलावा भी तो सर वो शेर सुना ना, तू जेर थी जबर ना बन, मतलब जिंदगी का ऐसा मजा दोस्तों के साथ है, और थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि थोड़े कांटे ज्यादा है। सर बहुत अच्छी मच्छी बड़ी है। इन्होंने उठा लिया, अभी मैं ये उठा रहा हूँ, ये मछली की जो बेरी है इन्होंने तीन चार खा ली। नुकसान मेरा और आपका हो रहा है। इसका जो टेस्ट है ना माशाल्लाह, ये देखो अभी तक इसका धुआं निकल रहा है। अगर आपका कोट मिठन में चक्का लगे ना, ये कौन सी शॉप है सर? खाजा ये सुल्तान, ये सुल्तान वाले के पास जरूर आप विजिट करें, आप एक दफ़ा टेस्ट करेंगे बार बार। खाजा साहब का खाता है, इनसे चाहते भी आप जितना मर्जी खा लें। इसमें कांटे बहुत ज़्यादा हैं, बाकी सर शूज़ पहन लेते हैं। बेशक हमारे पास पैसे हैं, मेरी जेब में भी हैं, उनकी जेब में भी हैं, लेकिन जो मजा कंट्रीब्यूशन करके खाने में है ना, वो किसी चीज में नहीं। सारे बेहतरीन इत्तेफाक, बंदा शर्मशाक नहीं था, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, लेकिन ये बेहतरीन सिस्टम है। कैसे रे इरफान साहब, ये बात ऐसे है या नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इस चीज के हक में हूं सर, किसी एक पर बोझ ना हो, सब सही तौर पर हर बंदा क्लियर हो। कभी अगर हम कहीं पर जा रहे खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर सबकी कंट्रीब्यूशन होगी। नाजी ना, ये आप देख रहे हैं, ये सारा अली ने खाया, ये अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ। बस कर अली, बस कर। सारी एक कांटे भी खाने हैं क्या? जूती पाई है ना उन्हें। सर थोड़ा खाते ना। इतना खा लिया, उठा नहीं जा रहा। तो आज का व्लॉग यहाँ तक ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर कैसा रहा? इंशा अल्लाह ना, कोई कमी बेशी नहीं रही। हासुर वैली साहब, उठाने में बड़ी टेंशन होती है यार, इस बंदे को बड़ी टेंशन होती है।